अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्मार्टफोन की जो कि एलजी की तरफ से हमें देखने को मिला, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की गई और जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रही। यहाँ पर सिंपली तीन स्क्रीन्स को एक केस के अंदर मर्ज कर दिया गया, यानी कि एक स्मार्टफोन की आपकी स्क्रीन है, देन दो स्क्रीन जो है वो एक केस के थ्रू आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, देन आप ये चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर या वर्ल्ड वाइड जो है वो तो आ चुकी हैं, बट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी आपको जल्द अज़ जल्द देखने को मिल जाएंगी। सो यहाँ पर ये वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड है आइसोलेशन के साथ, सो आप उनसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, तो आपका जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपको पे करने हैं, देन आपका जो ऑर्डर है वो आपको रिसीव हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं नंबर्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर लीजिएगा। तो जल्दी से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं ये क्या रिजल्ट हमें ला कर देता है, स्मार्टफोन्स क्या वैल्यू फॉर मनी है। ऑल्दो इसका जो प्राइस टैग है वो अबाउट 65 to 70,000 के इन बिटवीन आपको देखने को मिलेगा, जो कि वेरी करता रहेगा थोड़ा बहुत, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गेमिंग से लिहाज से बात की जाए या फिर किसी और कैमरा पर्सपेक्टिव पर बात की जाए, इन सारी चीज़ों के मुकाबले में अगर बात की जाए इस डिवाइस को, अगर सिंगल डिवाइस होती तो शायद मैं कहता कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट एक टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा टेस्ट आउट करते हैं फिर देखते हैं और फाइनल डिसीजन लेते हैं ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। सो आ चुका हूँ मैं अपने G8X ThinQ के ऊपर और ये डुअल स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है जो कि मेगा डुअल स्क्रीन है। उसके अलावा आपको बैक साइड के ऊपर एक और स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर आपको टाइम वगैरह नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस की तो यहाँ पर तीन स्क्रीन का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, और अगर मैं बात करूँ स्पेक्स की तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, बट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इस एक्साइटिंग डिवाइस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो यहां पर फ्रंट साइड के ऊपर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, सिंपल मैट ब्लैक कलर के अंदर आपको बॉक्स देखने को मिलता है, कुछ यहां पर QR कोड्स हैं और ओवरऑल यहां पर कुछ ज्यादा आपको डिटेल्स देखने को नहीं मिलती। अगर मैं आऊं यहां पर टॉप ऑफ द टेबल के ऊपर तो सिंपली यहाँ पर आपके पास कलर्स देखने को मिल जाता है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह आपको और देखने को अवेलेबल हैं। तो अगर मैं आऊँ बॉटम साइड के ऊपर तो यहाँ पर LG का आपके पास सिंपली लोगो देखने को मिल जाता है, लाइफ्स गुड। सो अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो सबसे पहले तो बॉक्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो है आपके पास LG डुअल स्क्रीन देखने को मिल जाती है, नॉट फॉर सेल कॉम्प्लीमेंट्री विद LG G8X ThinQ, यानी कि ये सेल के लिए नहीं है, विद बॉक्स आपको देखने को मिलती है। सो अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पैकेजिंग की तो पैकेजिंग जो है LG की तरफ से वो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी कमाल आपके पास मिल रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो दूसरी स्क्रीन है वो वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर देखने को मिलती है, इसकी हम बात जो है वो बिल्कुल आगे चल के हम लाजमी करेंगे। इससे पहले जो एक चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बॉक्स के अंदर हमें जो डिवाइस मेन डिवाइस देखने को मिलती है वो क्या कॉम्बिनेशन देती है। तो सिंपली 6 GB रैम के साथ 128 GB रोम आपको देखने को मिल जाती है। सो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ, देखते हैं लिड रिमूव करके सबसे पहले चीज़ों में क्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर LG की डिवाइस देखने को मिलती है, इसको मैं निकाल लेता हूं तो सिंपली यहां पर आपके पास डिवाइस देखने को मिल जाती है। डिवाइस की बात हम आगे चल के करेंगे, बट बॉक्स से दीगर कंटेंट की बात करें तो यहां पर ओवरऑल जो पैकेजिंग एक्सपीरियंस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसके बाद यहां पर LG की तरफ से क्विक स्टार्ट गाइड आपके पास अवेलेबल है, यहां पर आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा चार्जिंग केबल जो है वो आपको टाइप सी की अवेलेबल है। तो यार अगर मैं बात करूं इस डिवाइस की तो सबसे पहले हम इसकी हाइलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। बैक साइड के ऊपर आए तो यहां पर डुअल कैमरा सेटअप विद LED फ्लैश आपके पास अवेलेबल है। बॉटम साइड के ऊपर यहां पर सिंपली आपके पास LG की ब्रांडिंग है, यहां पर आपके पास सिंपली एक अदर स्पीकर ग्रिल है, देन आपके पास टाइप सी की चार्जिंग स्लॉट है, 3.5 mm का ऑडियो जैक है। उसके बाद यहां पर आपके पास माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। अगर लेफ्ट साइड के ऊपर आऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम रॉकर्स के साथ पावर बटन भी आपके पास अवेलेबल है। राइट साइड के ऊपर आपके पास पावर बटन देखने को मिल जाता है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास सिंपली वॉल्यूम रॉकर्स हैं, देन आपके पास एक कैमरा कैप्चर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं इस बटन को, और दीगर आप गूगल असिस्टेंट वगैरह के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसको जल्दी से ऑन करते हैं, फ्रंट साइड के ऊपर आपके पास वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, और टॉप साइड के ऊपर यहां पर सिंपली आपके पास सिम ट्रे अवेलेबल है। इसको मैं देख लेते हूं कि क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट आपके पास अवेलेबल है, और या तो आप दो सिम यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं एक माइक्रो SD कार्ड के साथ एक सिम। और सिंपली ये डिवाइस जो है अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके डिस्प्ले की तो फ्रंट साइड का जो डिस्प्ले है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को मिल रहा है। 6.4 इंचेस का डिस्प्ले है, और अगर मैं बात करूं यहां पर रेजोल्यूशन की देन
1080p इंटू 2340 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। 6GB रैम के साथ ये डिवाइस आपके पास अवेलेबल है। देन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का एक ऐसा चिपसेट यहाँ पर यूज़ किया जाए एक ऐसा चिपसेट यूज़ किया गया है जो कि सिंपली गेमिंग को काफ़ी अच्छे से और तगड़े स्पोर्टिव रोल के साथ आपको प्रोवाइड कर देगा। देन अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो यहाँ पर बैटरी की हेल्थ जो है वो थोड़ी सी कम रखी गई है, यानी कि यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी है। और अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस का जो मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला है वो इसकी डुअल या ट्रिपल स्क्रीन आप कह सकते हैं। बट इसको हम हल्का फुल्का और टेस्ट करते हैं, इसके कैमरा सैंपल्स को भी टेस्ट करते हैं क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं इस डिवाइस के अंदर। तो यार यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके जो कलर हैं वो काफ़ी ब्राइट आपको और काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स आपके पास देखने को मिल रहे हैं। सो ओलेड पैनल यहाँ पर यूज़ हो रहा है SGR10 की सपोर्ट के साथ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोटेक्शन की, तो फ्रंट साइड के ऊपर कोरिंग कोरिला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन अवेलेबल है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। देन एंड्रॉयड का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन जो आपको देखने को मिलता है वो 9 देखने को मिलता है, बट आप इसको बाद में आगे चल के अपडेट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट थोड़ा सा पुराना फ़ोन आप कह सकते हैं, ये ऑलरेडी अपडेटेड है एंड्रॉयड 10 के ऊपर। तो यहाँ पर वैसे जो बिल्ट इन जो आप बॉक्स पैक डिवाइस लेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 9, एंड देन आप इसको अपडेट कर सकते हैं अप टू एंड्रॉयड 10 तक। सो सिंपली अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पर UFS स्टोरेज 2.1 आपके पास अवेलेबल है। देन अगर मैं बात करूँ फ्रंट साइड की, तो यार यहाँ पर जो आपको कैमरा देखने को मिल रहा है ये जारो AAS के साथ आपको 4K की रिकॉर्डिंग 30 FPS के ऊपर प्रोवाइड कर देगा। बट अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस की, तो ये डिवाइस जो है आपको 32 MP का f/1.8 6mm वाइड लेंस प्रोवाइड करता है फ्रंट साइड के ऊपर। तो हल्का फुल्का इसको हम टेस्ट आउट कर लेते हैं कि ये इतना तगड़ा जो लेंस है ये किसी काम का है या नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर इसका जो फोकस है वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर इसने अच्छे तरीके से डिटेक्ट भी कर लिया है। उसके बाद हम इसकी बाकी इसके जो मेन कैमरा है उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर बैक साइड के ऊपर मैं आऊँ, सिंपली 2 कैमरा सेटअप आपके पास अवेलेबल हैं। बैक साइड के ऊपर आपके पास सिंपली 2 कैमराज अवेलेबल हैं, एक 12 MP का है, एक 13 MP का है। 27 mm वाइड फोटोज के लिए 12 MP का कैमरा यूज़ हो रहा है f/1.8 का। देन अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो आपके पास 13 MP का है f/2.4 9 mm वाइड फोटोज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पर फास्ट चार्जिंग जो है वो अप टू 21 W तक आपके पास अवेलेबल है। देन यहाँ पर ये मेरे पास जो है ये ब्लैक कलर के अंदर मौजूद है, और ये सिंपली ब्लैक कलर के अंदर ही आपके पास देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस की, तो यार अभी तक अपनी स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से ये डिवाइस जो बनती है अराउंड 40,000 to 45,000 के इन बिटवीन बनती है, लेकिन काफ़ी तगड़ी डिवाइस है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो है इसका मेन सेलिंग पॉइंट जो कि इसकी कॉस्ट और वर्थ को इंक्रीज करता है। जी हाँ, ये केस आपके पास देखने को मिल जाता है। ये केस जो है आप सिंपली डुअल स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक कनेक्टर आपको दिया गया है, प्लग जो है वो आप इसके अंदर अपने जो स्मार्टफोन है वो प्लग इन करेंगे, देन सिंपली ये प्लग इन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये फिट इन हो जाएगा इस केस के अंदर। अब सिंपली यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा आइकन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करें तो ये डुअल स्क्रीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये किस तरह यूज़ होगी, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन कर ली, तो ये एक साइड के ऊपर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, देन यहाँ पर आप यूट्यूब ऑन करना चाहते हैं तो यूट्यूब भी आप ऑन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर आपको एक अच्छा सा चैनल बताता हूँ, तो आप सर्च कर लें जाके उसको, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर आप स्लेट से कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं या कुछ भी आप मल्टीमीडिया देख रहे हैं, साथ में आपको चैटिंग करनी है या फिर आप कुछ और भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर डुअल स्क्रीन जो है वो आपको ये एक अच्छा फीचर अवेलेबल करके दे देती है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये काफ़ी एक न्यू लुक को, एक न्यू डिज़ाइन और एक न्यू कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है LG की तरफ से। सो वैसे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये जो डिवाइसेज हैं कि वो आपको बॉक्स पैक तो देखने को नहीं मिलती, बट अभी यहाँ पर विद बॉक्स आपके पास पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये अवेलेबल हैं। दोनों की दोनों जो स्क्रीन्स हैं उनको मल्टीटास्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैंने पोको का एक वीडियो जो बनाया था वो मैंने ऑन कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ और ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से मैं कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर कोई मैच वगैरह चल रहा होगा तो हम उसके रिजल्ट्स वगैरह साथ देख लेंगे।
तो लेट्स से यहाँ पर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच चल रहा है, इंडिया इंग्लैंड का चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंड पे आप अपने जो लाइव मैच को भी अपडेट कर रहे हैं और दूसरी ही विंडो के ऊपर आप जो है सिंपली मल्टीमीडिया एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एक न्यू लुक आपको देखने को मिलती है काफ़ी ज़बरदस्त और मुझे पर्सनली काफ़ी मज़ा आ रहा है। समटाइम्स मुझे ऐसा यूज़ करना होता है कि लेट्स से चैट कर रहा हूँ किसी के साथ, देन आप कोई साथ ड्रामा वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, मल्टीमीडिया वगैरह कंजप्शन कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं, तो ये एक काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी डिवाइस है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, एक और इसका इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो ये है कि ये आप देखें यहाँ पर आपके पास एक और बैक साइड के ऊपर भी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास सिंपली नोटिफिकेशंस अवेलेबल हैं एंड देन आपके पास टाइम वगैरह अवेलेबल है, तो ये एक काफ़ी काफ़ी एक यूनिक किस्म की डिवाइस आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें इसको आप यूँ प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट्रेट शॉट लैंडस्केप मोड के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको वीडियो भी देख रहे हैं और इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं लेट्स से लैंडस्केप में। तो ये देखें ये एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी तगड़ा किस्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप मल्टीमीडिया के साथ कुछ और भी अपना यूज़ वगैरह करना चाह रहे हैं, चैटिंग हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये मज़े की डिवाइस है। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात करूँ तो ये और ये एक न्यू चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है और मुझे पर्सनली भी काफ़ी पसंद आई है। ओवरऑल अब चलते हैं हम इसकी कैमरा की तरफ और कैमरा टेस्ट करते हैं गेमिंग के लिए किस तरह का ये स्मार्टफोन है वो भी हम लोग टेस्ट आउट कर लेते हैं, देन बाकी की डिटेल्स हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। तो यार आपने अनबॉक्सिंग देखी इस डिवाइस को, अगर सिंपली मैंने जैसा कि पहले बोला आपको कि अगर सिंपल सी एक कैमरा डिवाइस होती या गेमिंग डिवाइस होती तो इस रेंज के अंदर आपको बॉक्स पर डिवाइसेस जो हैं काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देखने को मिल जाती, ऑल दो वो कैमरा से रिलेटेड हो या फिर गेमिंग से रिलेटेड हो, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चिपसेट आपको देखने को मिला जो कि गेमिंग को भी अच्छी सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पर हल्का फुल्का आपको जब डुअल स्क्रीन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक अलग ही लुक मिलती है जिसे आप यूं कह लें कि आपको मल्टीटास्किंग की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल हो जाती है। तो ये एक जो चीज़ थी ये इसके अंदर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, देन दूसरे टैब के ऊपर आप मल्टीमीडिया कंजप्शन भी कर सकते हैं, वेदर इट वुड बी ऑन यूट्यूब या फिर गैलरी के अंदर आप कुछ देख रहे हैं, ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं यूट्यूब की वीडियोज़ बनाते हैं या कोई भी वीडियोज़ बनाते हैं और एडिटिंग वगैरह जो है वो अपने स्मार्टफोन के साथ ही करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी एक अच्छी डिवाइस है। और अगर वो एक स्टाइलिश पेन जो है उसको भी साथ थोड़ा सा खर्चा कर लें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। गेमिंग के अंदर भी डिवाइस जो है आपको अच्छा परफॉर्म करके दे देगी। कैमरा भी एक हद तक आप कह सकते हैं काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि कैमरा बहुत बुरा है, बट अपने प्राइस टैग के लिहाज से ये काफ़ी डिज़ायर रिजल्ट्स जो हैं वो आपको दे देगा। बट जो यहाँ पर मेन फोकसिंग और हाईलाइटिंग पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल स्क्रीन देखने को मिल जाती है। दो स्क्रीन के ऊपर तो आप फुल टाइम मल्टीमीडिया कंजप्शन, सोशलाइजिंग या फिर कुछ भी कर सकते हैं, गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट जो तीसरी के लिए वो जस्ट नोटिफिकेशंस के लिए आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी बेस्ड ये पैकेज स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बताएं ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। और एक और चीज ये है कि इस डिवाइस के बारे में अपनी जो कंप्लीट राय है, ये डिवाइसेस आने वाले वक्त के अंदर सक्सेसफुल होंगी नहीं होंगी, यहां पर इश्यूज आ सकते हैं, जो जैक है उसका मसला आ सकता है या प्लग्स का मसला आ सकता है, जो यहां पर केस बनाया गया है उसको बार बार इन एंड आउट करने से इश्यूज वगैरह आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारे मसले तो जब हम इसको प्रॉपर वे के अंदर 2-3 महीने जब टेस्ट आउट कर लेंगे तभी हमें पता लगेगा कि यार ये इश्यूज आते हैं या नहीं। बट फिलहाल के लिए इस तरह कोई इश्यूज मुझे देखने को नहीं मिले। आपके ख्याल से आने वाले वक्त के अंदर इस तरह के कोई इश्यूज जनरेट हो सकते हैं या नहीं, ये लाजमी मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।